दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन मंडे का और आज डेट है 22 मई 2023। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 6:36 हो चुके हैं और मैं आ चुका हूँ उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो के पास में हूँ, रुपये हूँ। अभी लास्ट स्टॉप मेरा यहीं पे हुआ था और ये मैंने पिकअप लिया था लाजपत नगर से। तो लाजपत नगर से मैंने लोकेशन डाली हुई थी तो सीधा उत्तम नगर दिखा दिया था। तो उत्तम नगर में ड्रॉप तो कर दिया दोस्तों, ड्रॉप करने का था हो गाड़ी में हो गया एक नुकसान ये हो गया था कि उत्तम नगर की आपको पता गलियां कैसी होती हैं, तो गलियों में से निकाल रहा था और दूसरी गली में से भी गाड़ी आ गई थी। तो मतलब क्या है कि अब मुझे क्या है कि लेफ्ट साइड अपना दबाना पड़ गया। लेफ्ट साइड में क्या है कि जैसे टर्न लेते हैं वहां पर क्या है कि कुछ पानी का कुछ वो था, चार सरिये से निकले हुए थे अब से मोटे लंबे से। अब गाड़ी का टायर उसके ऊपर चढ़ गया और चढ़ते ही मतलब साइड से पूरा फाड़ दिया उसने कील। तो वही मतलब काम करवाया, अभी काम वो करवा के अभी लगे हैं। मतलब उसमें 200 रुपये का खर्चा आ गया। 200 रुपये का क्या है कि एक तो उसमें उसने एक पेच डाला है, पेच डाल के फिर उसने ट्यूब मेरे पास पहले की पड़ी थी, कह रहा है इस पर मशरूम पंचर टिकेगा नहीं। तो ट्यूब मेरे पास ऑलरेडी थी, ट्यूब चेक करी तो ट्यूब में 2 पंचर। तो 80 रुपये ट्यूब के लिए, 100 रुपये वैसे लिए, 180-200 रुपये मतलब आज लग गए। वो भी ये लगा लो बिना किसी उसके अच्छे वाला, मतलब अब सोचा था कि घर निकलूंगा और उससे पहले ही मतलब तो ऐसे ऐसे खर्चे निकल आते हैं सडनली। मतलब आप अच्छे मन से गाड़ी इतने अच्छे मन से चलाओ और फिर ऐसे नुकसान हो जाए। तो दोस्तों यही चीज़ है। तो आज मैं मॉर्निंग में निकला था करीब 6:15 बजे और 6:15 बजे निकल के दोस्तों मेरे को आज ट्रिप्स थोड़ी अच्छी मिल गई आज, तो जल्दी भी काम कर लिया। और पहली ट्रिप मैंने क्या है कि मैं बस चाय पी रहा था और चाय पीते पीते मैंने इन ड्राइव चेक कर लिया। तो इन ड्राइव जैसे ही ऑन किया तो मेरे पास इन ड्राइव में 990 रुपये की राइड आई मोदी नगर की। तो 73 किलोमीटर की ट्रिप थी तो 990 प्राइस दिखा रहा था। तो मैंने कहा यार इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए और इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ और बिना एसी की राइड है और इसमें टोल भी ऐड नहीं था। तो 990 में मैंने एक्सेप्ट करी, उसने भी एक्सेप्ट कर दी। तो द्वारका सेक्टर मतलब 12 के सामने से ही पिकअप था तो उसको मैंने बताया जी इसमें टोल ऐड नहीं है। तो कहती भैया टोल तो अब उसमें लगता नहीं है। मैंने कहा जी लगता है टोल क्यों नहीं लगेगा? कह रही चलिए कोई नहीं। मैं कह रही 120 तो नहीं 100? मैंने कहा कोई नहीं 100 दे देना आप, 1100 राउंड फिगर दे देना। तो 1100 रुपये में दोस्तों अगर 70 किलोमीटर में 1100 रुपये मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बिना एसी के अगर उसमें जा रहे हो, देखो एसी में लेकर जाओगे, ऊबर में भी लेकर जाओगे, आपको फेयर कितना मिलना है 70 किलोमीटर का? 10 रुपये के हिसाब से 700 रुपये वो देगा, 100 रुपये आपको यूपी का दे देगा, 800 रुपये मिलेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें मेरे को पूरे नेट 1000 रुपये मिल गए। कमीशन 100 रुपये चाहे इन ड्राइव ने ले ली तो मेरे को नेट 1000 रुपये उसमें मिल गए। तो उसको मैंने वहाँ छोड़ा, वहाँ छोड़ के कोई डेंटल कॉलेज था मोदी नगर में ही, निहारी रोड पर। तो बस वहाँ से ड्रॉप करते ही फिर ओला ओवर भी ऑन कर दी थी तो इन ड्राइव में भी चेक कर रहा था। तो सडनली इन ड्राइव में फिर बजी मेरे पास ग्रेटर नोएडा की। तो ग्रेटर नोएडा में मैंने अपना रेट दिया 800 रुपये का, 46 किलोमीटर की ट्रिप थी। तो 800 रुपये उसने रिजेक्ट मारी। फिर मैंने 699 करा, मैंने कहा 800 रुपये तो नहीं लेगी, 699 देखता हूँ क्योंकि टोल उसने ऐड करा था। तो 699 पे 700 पे उसने एक्सेप्ट कर ली। तो 700 पे उसने एसी का कर रखा था बट एसी मैंने चलाया नहीं। मैंने कहा एसी मेरा वो है, मैंने सीधा बोला, मैंने कहा एसी सर्विस पे है, मतलब अभी सर्विस नहीं कराई एसी की और काम भी नहीं कर रहा ज़्यादा। तो फिर उसने बोला नहीं, कह रही कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको वो राइड से बिना एसी के लेकर आया। तो ये लगा लो कि 46 किलोमीटर 700 वहाँ मिल गए, 1000 यहाँ मिल गए। तो तकरीबन 1600 रुपये का काम मेरा हो गया था, 9:30 बजे तक, 9:30 तक मेरा 1600 रुपये तक का काम कर लिया था मैंने। फिर वहाँ से मेरे पास ऊबर में आ गई थी ग्रेटर नोएडा से, मतलब एक छोटी सी ऊबर में करी, ऊबर की करने का ग्रेटर नोएडा से ऊबर में मेरे पास आ गई इधर की वसंत कुंज की। वसंत कुंज में हाँ किशनगढ़ रोड गौशाला की आई थी तो वहाँ ड्रॉप किया। वहाँ से मैं मेरे पास आ गई साउथ एक्स ड्रॉप करते फिर मैं सीधे घर की लोकेशन डाल दी थी क्योंकि काम मेरा हो ही चुका था तकरीबन क्योंकि जो ग्रेटर नोएडा से ट्रिप मिली थी उसका भी बिल अच्छा खासा बना था, 880 रुपये का बिल बना था।
उसके बाद मैंने 2-3 ट्रिप करी, फिर ये उत्तम नगर लेकर आया तो उसमें अच्छी खासी हुई। तो आज काम मतलब ये लगा लो जल्दी निकला तो काम, तो कभी कभी दोस्तों टकर जाता है, अच्छा काम राइड्स भी मिल जाती है। तो इन ड्राइव में भी देखिए बहुत से भाई रेट खराब करते हैं, पर मैं रेट नहीं खराब करता, मैं ऐसे रेट पे लेता हूँ जिसमें मेरे को ओला उबर से भी बेटर प्राइस मिले। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही, और आज एक अपडेट और देना है, मतलब यही कि काफ़ी भाई है ना, देखिए आपको पता है हमारी लाइन में कंपटीशन तो लगा ही रहता है, और काफ़ी नए भाई भी इस लाइन में आना चाहते हैं, और काफ़ी कुछ ऐसे भाई जो नई गाड़ियाँ प्रेफर नहीं करते लेना और सेकेंड हैंड पे ज़्यादा जाते हैं। तो सेकेंड हैंड पे कई कोई ड्राइवर भाई बेच रहा होता है, कई डीलर बेच रहे होते हैं, तो एक कम्युनिकेशन मतलब कन्फ्यूजन हमेशा रहती है दोस्तों। तो कन्फ्यूजन क्या रहती है वो मैं आपको बताता हूँ। आज एक भाई का मेरे पास कमेंट्स आया था, तो उस कमेंट्स का मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसने मेरे को मैसेज किया है कि भैया मेरे को पुरानी गाड़ी लेनी है, एक भाई बेच रहा है 2016 मॉडल है, और क्या कमर्शियल गाड़ी की 15 साल की वैलिडिटी होती है, उसकी जो परमिट है वो 2031 से ऐसी कुछ में वो है। तो अब आप सोचिए 15 साल 2031 कैसे हो सकता है, DL1Z की परमिट कितनी मिलती है सभी को पता है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए अपडेट लाया हूँ जो भाई नए मतलब जो भाई इस लाइन में आना चाह रहे हैं और जिनको जानकारी नहीं है और जिनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है हमारे ही द्वारा या हमारे ही कोई भाई कर रहा है। तो ऐसा मत करो यार दोस्त, जो चीज़ एक्चुअल में है वो चीज़ बताओ, ठीक है। फिर इस भाई को मैंने कमेंट्स करके बताया, मैंने कहा भाई ऐसा नहीं होता है, जो परमिट दो वैसे हमारी जो टोटल परमिट मिलती है 15 साल की मिलती है जब हम गाड़ी लेते हैं, पर कमर्शियल लाइन में अगर आप टैक्सी में गाड़ी चला रहे हो दोस्त, तो टैक्सी में देखिए दो कैटेगरी होती है, एक दिल्ली NCR गाड़ी होती है, एक ऑल इंडिया परमिट होती है। तो जो दिल्ली NCR परमिट गाड़ी होती है उसकी 8 साल की वैलिडिटी मिलती है परमिट की। हालांकि अभी इस पर हमारी लड़ाई चल रही है, यूनियन वाले लगातार कर रहे हैं कोशिश के हमारे जो 2 साल खराब हुए हैं कोविड के दौरान वो 2 साल थोड़े एक्सटेंड हो जाए तो काफ़ी राहत मिल जाएगी। काफ़ी भाइयों की इसी साल गाड़ी मतलब परमिट ख़त्म होने वाली है, मेरे भी ये लगा लो अब मैं गाड़ी पास कराऊंगा तो मुझे बस 1 साल की और मिलेगी फिटनेस, इसके बाद मेरी भी परमिट ख़त्म है, फिर इसके बाद मुझे गाड़ी प्राइवेट करानी पड़ेगी। तो दोस्तों परमिट जो मिलती है देखिए 15 साल की होती है टोटल, बट आपको टैक्सी लाइन में अगर आप गाड़ी लोगे तो टैक्सी लाइन में आपको जो DL1RT गाड़ी है जो NCR परमिट है उसकी 8 साल की परमिट मिलती है, और जो ऑल इंडिया परमिट आप गाड़ी परचेस करोगे तो उसकी मिलेगी आपको 10 साल की, कोई 15 साल की वो नहीं है कि कोई आपको बता रहा हो कि 15 साल की है। तो ये सब गलत चीज़ है, तो गलत चीज़ यार किसी को ना ऐसे वो करो। 2016 मॉडल अगर 1RT कोई ले रहा है तो उसकी 1RT की देखो आप खरीदने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश यही करो जो भी पुरानी गाड़ी देख रहे हो 2018 से 2020 तक की देखो, जिसमें आपको 2-4 साल तो मिले कम से कम काम करने के लिए, और अगर नई देख सकते तो कोशिश करो कि नई में जाओ, क्योंकि पुरानी चीज़ पुरानी होती है, पुरानी किसी की। अब देखिए अब हम लोगों में तो बहुत चीज़ें बोलते हैं कि देख के लेनी चाहिए, पंडित से पूछ के लेनी चाहिए, लोहा फलता है कि नहीं, ये तो आपकी हर चीज़ बंदा करता है। मैं भी जब अपनी गाड़ी लाइन में आया था तो मैंने भी पूछा था, तो हर कोई आता है तो पूछता है यार उस लाइन में मैं जा रहा हूँ लोहा मेरे को फलेगा नहीं फलेगा। तो ये सब चीज़ें देखो, आप दूसरे की गाड़ी आप पुरानी खरीदोगे वो चीज़ आपको पता नहीं सूट करे ना करे और ज़्यादा नुकसान करे, तो बहुत सारी चीज़ें होती है मतलब। और साफ़ सुथरी गाड़ी अगर मिलती है तो ले लो, बट किसी को मिसगाइड मत करो दोस्त, ठीक है। तो मेरा बेसिक पर्पज़ ये वीडियो बनाने का यही था कि मतलब काफ़ी भाई है ना नए बंदों को गलत वो राय देते हैं कि बस अपनी गाड़ी निकालनी है तो गलत चीज़ बोल के, तो ऐसा नहीं है दोस्त। जो है 8 साल की और 10 साल की परमिट होती है, तो आप जब भी गाड़ी खरीदो कहीं से भी तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना। तो दोस्तों आज का मैं काम आपको बता देता हूँ, आज का मेरा काम कितना हुआ है मतलब ठीक ठीक हुआ है, यहाँ पर दिखा देता हूँ। 990 का आप इन ड्राइव में है और एक 700 का है, टोटल 990 में मेरे को पूरे 990 में क्योंकि टोल ले लिया था वो टोल समझ लो कमीशन थी 1000 रुपये ही हो गए, 700 रुपये इसमें गए हैं, तो इसमें भी 70 रुपये कमीशन 100 रुपये डालो, 1600 रुपये का इसमें हुआ है और 1600 रुपये का मेरा ऊबर में हुआ है, तो 1600 दूनी 3200 का मेरा काम आज हो चुका है दोस्तों। और ये लगा लो 3200 रुपये में मेरी जो CNG लगी है, CNG मैंने डलवाई थी
460 रुपए की एक डलवाई थी, 440 की एक डलवाई थी, जिसमें से मेरी 2 पॉइंट अभी पड़े हुए हैं और गाड़ी चल चुकी है मेरी 280 किलोमीटर। तो 460 440, 900 रुपए की सीएनजी, 900 रुपए की सीएनजी मेरी, कम से कम 200 रुपए की सीएनजी अभी पड़ी हुई है, 700 रुपए की सीएनजी मेरी कंज्यूम हो चुकी है। तो 3200 रुपए का काम है और 700 रुपए की लग गई है सीएनजी, इसमें से हटा लेंगे 700 की सीएनजी तो 2500 रुपए बचेंगे। 2500 रुपए में से 200 रुपए गाड़ी के फिटनेस परमिट इंश्योरेंस ये सब चीज़ लगाता हूँ मैं, तो 2300 रुपए बचे। 2300 रुपए में से मेरे 200 रुपए अभी सडनली खर्चा हो गया, तो वो भी समझ लीजिए इसी में से चले गए, तो 200 और निकाल लेते हैं, तो आए मेरे पास आज नेट 2100 रुपए। तो 2100 रुपए मेरे को बच गए हैं, अब ये आज की बचत है। और भी अच्छा कर सकते हैं, और जिसकी भाई की भी नई गाड़ी है तो उसमें से इसमें से आपको गाड़ी की EMI भी निकालनी पड़ेगी, तब जाके आपकी नेट अर्निंग आएगी, और अगर ड्राइवर रखा हुआ तो ड्राइवर की भी निकालोगे तब जाके नेट है। तो 12 घंटे का काम दोस्तों वही है कि हर चीज़ डिपेंड करती है, डेली ऐसा काम नहीं होता है, कभी कभी लक लग जाता है तो अच्छा खासा निकल आता है, वरना कई बार सुबह सुबह मतलब, और मेरी जो अर्निंग हुई है उसमें AC कम चला है तो इसलिए थोड़ी सी अर्निंग ज़्यादा हुई, अगर AC चलता तो यही डाउन हो जाता, 1000 रुपये की CNG पहुंच जाती, तो 300-400 की CNG भी बची है मेरी इस उसमें। तो दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे रैंक करेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कितना काम है आजकल। तो ये सारी की सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है, कुछ भी आपके डाउट हो क्लियर करने हो तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, आप मुझे खुद भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मेरे YouTube चैनल पे हो तो उसमें भी कमेंट्स कर सकते हैं, Facebook पेज पे देख रहे हो वीडियो तो उस पर भी कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, जब भी मैं फ्री होऊंगा तो आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करता हूं दोस्तों। तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।